बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रयागराज में, इलाहाबाद में हमारे। और एक स्वागत अगर हमारी ऑडियंस करेगी तो किस तरह करेगी, जोरदार। मतलब मुझे चाहिए कि ये दर्ज हो जाए कि कितनी पब्लिक आज फिल्म देखी है आपने। पहला सवाल, झारखंड का सैनिक स्कूल, आफ्टर दैट हिंदू कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और फिर वहीं के फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम, फिर सिनेमा की तरफ मुड़ाओ कैसे? मतलब इसमें मैं कहीं भी अगर मैं आपकी थ्रू आउट जर्नी या थ्रू आउट लाइफ जर्नी की बात करूं, तो ये मुझे अभी वहाँ तक नहीं दिखाई दिया कहीं भी सिनेमा, तो ये सिनेमा की तरफ मुड़ाओ कैसे, थोड़ा सा शेयर करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस रिसर्च एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। हिंदू के बाद मैं कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स में PhD करने गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं एज ए कंसल्टेंट एज ए ब्यूरोक्रेट था फॉर 3 years एज एन इकोनॉमिस्ट। जब मैं कैम्ब्रिज में था तो एक मेरी पुरानी लत थी जो आई थिंक हम लोग सभी को है, फिल्म, वो सिनेमा में बदल गई और सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म मुझे दिखने लगा। और कैम्ब्रिज के दिनों में मैं वहाँ के फिल्म सोसाइटी को रन कर रहा था, तो जैसे जैसे मेरी जर्नी बढ़ रही थी मैं सिनेमा को छोड़ नहीं पा रहा था। जब UN में था तो वहाँ के एक बजट से मैंने अपनी एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई लो मंथांग करके, और पेपर्स लिखता था, रिसर्च पेपर्स। तो मुझे लगने लगा कि जब मैं पेपर्स लिखता हूँ उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मुझे इन छोटे फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री बनाने में मिलता है, और देश भी मुझे बुला रहा था। मैं 7-8 साल बाहर रह चुका था, तो मैं मुंबई आकर के जो मेरे प्रिय फिल्मकार थे श्याम बेनेगल, प्रकाश झा, सुधीर मिश्रा, इन उसे मिलना शुरू किया। किसी ने बोला कि ये घूमते फिरते फिल्म नहीं बनेगी, आपको वो एक जगह छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो एट सम पॉइंट आई रिजाइंड, आई केम बैक टू माय कंट्री, और बीच में मैंने हॉलीवुड भी किया था, बट मेरी कहानियाँ देश की हैं, तो मैं तो एक 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 यहाँ पे एक स्ट्रगल का दौर शुरू किया फिल्में बनाने का। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि मेन स्ट्रीम सिनेमा से थोड़ा अलग, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आपके फेवरेट डायरेक्टर्स श्याम बेनेगल साहब और ये सब, मेन स्ट्रीम सिनेमा से थोड़ा अलग आपका काम रहा, एक आर्टवर्क जरूर और बढ़िया काम रहा, तो आपका भी मतलब मैं ये कहूँ कि शुरू से रुझान या एक इंटरेस्ट, या जैसे कि आपने बोला डॉक्यूमेंट्री भी, तो वो आपका मतलब कंटेंट क्या रहा, जो पहली आपकी डॉक्यूमेंट्री रही उसका कंटेंट? मैंने 2 documentary बनाई एंड वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंडिया में नहीं है, बाहर में आई और फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई। मैं ननिहाल बनारस है और मैं बिहार का हूँ, तो जो मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी वहाँ के महाराजा की 200 साल की पुरानी रामलीला है, और एक वो मूविंग थिएटर 200 साल से चल रहा है रामचरितमानस का वो चित्रांकन। तो कैम्ब्रिज में कुछ रिसर्चर्स थे जो इन पर रिसर्च किए थे, उनसे लिंक्ड होकर के मैंने महाराजा से परमिशन ले करके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम रामनगर है। जब UN में था, जैसा मैंने कहा, ईयर ऑफ द माउंटेन चल रहा था, तो वहाँ से एक अच्छी फंडिंग मिली और मैं टिबेट में, टिबेट का एक पार्ट है लो मंथांग, वो नेपाल और टिबेट के बीच में है, तो वहाँ पे भी अनदर एक किंग रहते हैं जो एक टिबेटन रिचुअल को करते हैं। तो उसमें हाफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्री ट्रैवल लग था और हाफ ऑफ द उस कल्चरल चीज़ को कवर करना था। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई विदेश में। अगर फुल फीचर की बात करें तो आपकी इससे पहले 2 फिल्में दिल दोस्ती एक्सेट्रा और फ्रेंडशिप। दिल दोस्ती एक्सेट्रा आपकी आई 2007 में और फ्रेंडशिप आई आपकी 2013 में। ये रोमियो जूलियट की, यस। 6 साल का एक मैं अंतर देखती हूँ, तो मतलब ये अंतर मतलब क्यों, मतलब या तो मन की स्क्रिप्ट का ना होना या कहानी ना मिलना? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि बहुत चीज़ों को छोड़ करके मैं फिल्में बनाने आया, लेकिन इससे स्ट्रगल फॉर एन आउटसाइडर टू मेक इट्स ओन काइंड ऑफ फिल्म। जो मेरी पहली फिल्म थी वो प्रकाश झा जी ने प्रोड्यूस किया था, एंड इट बिकेम प्रीटी वेल नोन फिल्म। उन दिनों जैसा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में चलता है उसी ढर्रे की बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आए जो कॉलेज कैंपस लाइफ में हो, और मुझे कुछ और करना था। दिल दोस्ती एक्सेट्रा प्यार के एक सिनिकल एंगल को दिखाता है, तो मैंने उसका डायमेट्रिकली अपोजिट शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट लिया जो एक रोमांटिक लव को दिखाता है। इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, वो बहुत मेरे स्केल से एक जंप था, करीब 20 करोड़ की फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। एक और चैलेंज था कि जो मेरी नई कहानी तैयार थी वो एक छोटी फिल्म की थी जो चिड़ियाखाना बनकर के आई, तो मुंबई के मार्केट उस इंडस्ट्री को
कम समझना और जो मुझे करना है उसका साथ जिद ये समय मुझे लेने पे मजबूर करता है कि जो मैं बनाना चाहता हूँ उसमें समय लगता है। बिल्कुल। और इशक जो आपकी 2013 में आई, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। जो चीज़ मुझे लोग करने देना चाह रहे थे वो ना करके, और जो डायमेट्रिकली अपोजिट था, एक रोमांटिक लव पे मेरा एक अलग टेक था। अडाप्टेशन को मैं बनारस में लाया, जो मेरा ननिहाल है, एज आई सेड, और शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट को अडाप्ट किया, जिसमें काफ़ी सारे नामगीर एक्टर्स, प्रतीक बब्बर, रवि किशन वगैरह, बड़े स्टार्स के साथ काम किया। और एक एक्शन थ्रिलर थी, तो मैं एक जॉनर भी जंप कर रहा था, सब्जेक्ट भी जंप कर रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ी फिल्म थी, बट लोगों को तक उतनी पहुंच। कितना डिफरेंस होता है अपने जॉनर से एक जंप अप, या क्या डिफरेंस मिलता है, या क्या कितना आपको एक, मैं ये कहूँगी कि पीछे बैकअप आपको कितना स्ट्रांग मिलता है, विद जैसे कि ये हुआ कि चली नहीं चली, दैट्स एन अपार्ट थिंग, बट क्या एक बैकअप आपको कितना मिलता है जब आप अपने जॉनर से कुछ और टच कर रहे होते हैं, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर? ये सबसे बड़ा है कि जो आप करना चाहते थे वो वही आपने किया, एक एक बिकॉज सिनेमा आई फील इज द हाईएस्ट आर्ट फॉर्म, और जिस इंटेग्रिटी के साथ करने की कोशिश है वो अगर कर पाते हैं तो उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड क्रिएटिविटी एंड आर्ट इज़ ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन, आई थिंक। सो अगर बात करें चिड़ियाखाना की, तो हमने आज चिड़ियाखाना देखी भी, और मुझे इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात एक ये लग रही थी कि पहली बात तो नो डाउट वी आर, हमने बहुत सारा स्पोर्ट्स ड्रामा इस वक्त देखा हुआ है, देयर इज आर समथिंग बायोपिक्स एंड ऑल, बट इसमें हम एक चीज़ बहुत निराली देख रहे थे कि जो हमारा कैरेक्टर है वो सभी चेहरों को किसी न किसी जानवर से कनेक्ट कर लेता है, तो ये क्या लॉजिक रहा, मतलब उसको क्यों हर चेहरे में कोई ना कोई जानवर दिखता था, या एक स्पोर्ट्स और एक मतलब ये किस तरीके की एनिमल्स को लेके किस तरीके का एक लॉजिक कनेक्टिविटी आपकी रही? स्पोर्ट्स तक मैं बहुत ही टेढ़े मेरे रास्ते से पहुंचा। इसका जो मेन थीम था, जो सीड था, जो थॉट का शुरुआत था, वो एक टेलीविजन प्रोग्राम में, एक पैनल में मैं और एक बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर थे, किरण नागरकर साहब, उनके साथ डिस्कशन हो रहा था मुंबई शहर को लेकर के, और मैं एज एन आउटसाइडर टू दैट सिटी था, और वो ऑब्वियसली मराठी, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा था। उसमें उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे घर गई कि महाराष्ट्र का ऑब्वियसली एक बहुत यूनिक कल्चर है, लेकिन मुंबई किसी एक का शहर नहीं है, वो हिस्टोरिकली सभी का शहर रहा है और वो एक मेल्टिंग पॉट है। तो वो सीड से एक कहानी आई, आई वॉज एन आउटसाइडर, तो एक बिहारी लड़का जो एक वल्नरेबल पोजिशन में है एक माँ के साथ, शहर बदल करके आ रहा है और उसको मुंबई एक्सेप्ट करता है, तो उस वल्नरेबिलिटी में उसके पास एक पैशन है, वो पैशन कहानी में जैसे चीज़ें आती हैं फुटबॉल के रूप में आया। और मुझे सुझाव भी मिले कि एज ए स्पोर्ट्स फुटबॉल फिल्में नहीं चलती हैं, लेकिन जो गेम मैंने बचपन में देखी थी, खेली कम थी, बट जिसको मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था, जो आपने कहा झारखंड में सैनिक स्कूल, तो वहाँ पर फुटबॉल गेम सबसे ज़्यादा खेला जाता था, और मैं एकेडमिक्स में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, तो मार्जिन्स में रह करके जो गेम फैंटेसाइज करता था, जो शॉट्स मैं खेल नहीं पाता था, वो सभी शॉट्स इसमें डाले, मतलब जिसके दर्शक आप रहे, आपने पूरी तरीके से उसको यूज किया, तो वहाँ गेम नहीं खेल पाए और इनको खिलाया। मेरा सवाल फिर भी वही है कि जो एक कनेक्टिविटी जो आपने, मतलब उसको हर फेस में एक, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी जो पिछली दो फिल्में हैं उसमें आपके साथ राइटर्स और भी रहे, लेकिन जो ये आपकी फिल्म है चिड़ियाखाना, इसमें निर्देशन के साथ साथ राइटिंग में पूरा पूरा श्रेय आपका है, तो ये एक लॉजिक, मतलब लाइक टू करेक्ट, तीनों फिल्मों में कहानी मेरी है लेकिन पटकथा में मेरे साथ को राइटर्स रहे। बिल्कुल। लेकिन टू आंसर दैट क्वेश्चन, जब जैसे कहानी आगे बढ़ी तो इट्स ऑल्सो ए कमिंग ऑफ एज स्टोरी, एक लड़के की कहानी है जो एक चौल में आकर के रह रहा है, और कमिंग ऑफ एज में वी ट्राई टू फाइंड कि हम हैं क्या, और इसको जब डर लगता है बिकॉज ऑफ हिज ओन पास्ट, जो उसके वायलेंट पास्ट है, तो डर के समय जहाँ से डर लगता है उसमें उसे जानवर दिखता है, और जिस चौल में रहता है तो इवेंचुअली इवॉल्व करके इट्स ए कमिंग ऑफ एज का भी इसमें थीम है कि वो खुद कौन सा जानवर है, जो फिर हम उसके एक माँ में देखते हैं, एक इस चिड़ियाखाना में उसका क्या स्थान है, ये हमको देखने को मिलता है। अच्छा।
कभी कभी भसड़ में ही सारे जवाब छिपे होते हैं. तो पूरा एक फिल्म प्रोसेस एंड आफ्टर दैट उसको ऑडियंस तक लेकर आना, उसका रिलीज एंड ऑल दैट. तो ये आपकी लाइफ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? जैसे उनकी डिलीवरी इतनी सॉलिड है तो प्रशांत नारायणन जो कोच हैं बिल्कुल एक बेहतरीन उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इतना जो मेस है बट इफ यू फोकस हार्ड उसी मेस में इफ यू पुट दैट स्पॉटलाइट ऑन दैट मेस आपको उसमें सोल्यूशंस मिलेगा. ये हम सभी के लिए एज सून एज वी गेट फोकस्ड हमें उसमें सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाता है. राइट. तो जब हम अपना कॉन्सेप्ट जानते हैं, वी आर क्लियर अबाउट आवर कॉन्सेप्ट, तो मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात अगर करें तो ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की मेन सिनेमा से हटकर मूवी बनाना, या इसमें कितना रिस्क या कितना मोटिवेशन है, या ये कितना ज़रूरी है मेन स्ट्रीम सिनेमा से थोड़ा कुछ अलग बनाना, कितना जरूरी है? मतलब सी एवरी फिल्म मेकर और सभी आर्टिस्ट इवन राइटर्स दे वांट एन ऑडियंस फॉर देमसेल्फ. ट्रू. लेकिन बट दे वांट टू क्रिएट आर्ट जो उनके सेंसिबिलिटी से मिले. तो मैं यहाँ भी आया हूँ और इतने लोगों को देख करके खुशी होती है कि फिल्म को देख रहे हैं और उससे कुछ आस्पेक्ट को उनको पसंद आ रहा है. मेन स्ट्रीम से मुझे कोई परेशानी नहीं है. बट जो एक मसाला फिल्म है जो जिसमें मेहनत नहीं गई है, जी कहीं से कुछ उठा के पटक करके चीज़ें हैं और नॉन फेसेस डाल दिए जिससे कि 3 दिन में उनकी कमाई हो जाए, तो एक आर्ट फॉर्म एक कमर्शियल चीज़ बन के रह जाती है. और उसमें इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स एक बहुत रोल अदा करती है जिसमें एक वैरायटी बिना मार्केट कंसर्न से पड़ो सकती है, लोग उसको देख सकते हैं. तो वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिलेगा अगर एक मसालीफाइड ऑलरेडी रिटन स्टोरी मैं लूँ और उसको सिर्फ मार्केट कंसर्न्स के लिए बनाऊं जिसमें कुछ कह नहीं पाऊं, जिसमें एक्सप्रेशन बहुत लिमिटेड हो. बिल्कुल. जब आपका कोई एक कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों का है दिमाग में, तो उससे रिलेटेड रिसर्च कितना ज़रूरी है या रुक के उस पर काम कितना ज़रूरी है? नहीं बिल्कुल, जो कहानी अंत में दिखती है जो बहुत लय के साथ चलते रहती है वो एकदम ही एंड स्टेज है. जो उसकी बेस है, जो उसके थीम्स हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं, अगर उनमें रिसर्च नहीं हो, जैसे फुटबॉल मैं पर्सनली बहुत कम खेलता हूँ लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ फुटबॉलर्स यहाँ आए हुए हैं, वो देख के बता पाएंगे कि जो चीज़ें हैं वो सही हैं या नहीं. तो उसमें रिसर्च जाता है. जो BMC जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, BMC स्कूल, तो बिना रिसर्च के इफ द डिटेल्स द गॉड इज इन द डिटेल्स. ट्रू. द गॉड इज इन द डिटेल्स. वेरी मार्केबल लाइन. प्लीज एंड देयर इज एन अप्लॉज. गॉड इन द डिटेल्स एंड आई लव इट. और इस फिल्म में भी अगर आप देखें तो करीब करीब 15-20 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके आर्क्स आप देख सकते हैं. तो अगर उनके डिटेल्स सही नहीं रहेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू, यू कैन नॉट सी द आर्क ऑफ दैट. राइट. तो वो फिल्म लय पे नहीं चलेगी. तो इस फिल्म के दो अच्छे बड़े एक्टर्स की बात करें, एक प्रशांत नारायण साहब और दूसरे ऋत्विक सोहरे. अच्छा काम, दोनों ही बहुत अच्छा इस समय बेहतरीन काम कर रहे हैं. इनके साथ सिटिंग्स में या स्क्रिप्टिंग जब जिस समय बात हो रही थी या कास्टिंग के दौरान, कितना रिलेट कर पा रहे थे ये लोग आपके मतलब स्क्रिप्ट से, या आप, या कैसे सूझा कि दीज आर द कैरेक्टर्स हु कैन फुलफिल आवर नीड और हु कैन फुलफिल आवर हंगर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक दिस स्टार कास्ट ऑफ दिस फिल्म. जो उसमें तीन ओल्डर कलाकार हैं, प्रशांत नारायणन, राजेश्वरी सचदेव और रवि किशन, ये तीनों ने मेरे साथ इस तक में काम किया था जो एक बड़ी बजट की फिल्म थी. और जब मैं लिखा तो इनको सोच करके लिख दिया, लेकिन जब बजट शीट मेरे हाथ में था तो मुझे संकोच था कि इनको कैसे लेकिन मुंबई में होता भी है एक वर्किंग रिलेशनशिप हो, तो सभी ने हाँ बोला. और सभी को चूँकि चीज़ उनके ही सोच से लिखी हुई थी तो पढ़ते ही उन्हें रवि किशन सिर्फ दो लाइन जो आपको याद रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच करके वो मुस्कुराए. और उस शूट के एक दिन पहले ही वो बनारस में थे और मुंबई शूट के लिए आए और उन्होंने किया. तो एक पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप होने से जो यंगर सेट ऑफ एक्टर्स हैं वो बहुत चैलेंजिंग था. एक बहुत ही लंबे ऑडिशन प्रोसेस के बाद ये मिले. ऋत्विक अगर आप जानते हैं तो वो पहले भी एक दो स्पोर्ट्स फिल्म में आ चुके हैं. फिरारी की सवारी से उन्होंने शुरू किया था. OTT का भी एक अच्छा नाम है. अच्छा नाम है. बट मेरे केस में चूंकि एक फुटबॉल फिल्म थी और बहुत डिफिकल्ट शॉट्स इनको प्ले करने थे, तो आई वाज वेरी लकी कि ही वाज आल्सो ए गुड स्पोर्ट्समैन जिनको करीब 1.5-2 महीने की हमारी ट्रेनिंग रही एंड ही वाज एबल टू प्ले ऑल दी शॉट्स. तो ऑडिशन प्रोसेस से यंगर सेट मिले, फिर मेहनत हुई और दे आर बॉर्न टू बी एक्टर्स. सो Yes, true. They are born to be actor. किसी भी फिल्म का जो संगीत है और गाने जो हैं,
फिर वो इतने ज़्यादा कनेक्ट आउट करके और कहानी में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, ये कैसे डिटेल होता है? जो हमारे बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विवेक राजगोपालन, वो एक अलग टीम थी, और अनिल पांडे जी जो उनको साथ में काम करना था वो मैं अपनी तरफ से ला के उन पर थोप दिया और क्योंकि मेरे साथ पेशेंस बहुत रखते हैं, और मैं ऑब्वियसली आपने सही कहा कि पूरी सीन्स गढ़ी हुई नहीं है बट इमेजेस हैं, तो इन्होंने कुछ लिखा और अगर वो मैच नहीं किया, जैसे एक सॉन्ग मैं बताऊंगा ले बलैया जो आपने ले बलैया, दैट इज द मीन, उसमें वो फुटबॉल का एंथम है, तो जो बिहार के बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं जो जिब्रिश हैं उसका एक पोटली मैंने अनिल जी को दे दिया और इसको इन्होंने एक गाने में सजा दिया। कहीं भी हमें पूरी फिल्म के दौरान ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारा संगीत या फिल्म से कहीं अलग जा रहा है? दूसरा गाना भी कहना चाहूँगा जो जिंदगी चलती है, जिंदगी चलती है, अगर आप ध्यान दें तो इट्स अ ग्रेट फिलोसफी। बहुत मजबूर सिचुएशन में हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन व्हाट ही इज सेइंग एंड दैट्स हिज लाइन कि सभी कोशिश तो आप कर लीजिए बट जिंदगी भी आपको कहीं ले जा रही है। बिल्कुल, और उस मतलब यू जस्ट हैव टू वेट एंड यू विल गेट समवेयर। बिल्कुल, और ये बहुत काबिले तारीफ है कि वो इस तरीके से बुना हुआ है फिल्म में या फिल्म की कहानी में कि उसकी मैं ये कह सकती हूँ कि खूबसूरती अपने आप बढ़ रही थी। इसके लिए एक ज़ोरदार तालियां, और जब बात हमारे शहर की हो तो और ज़ोरदार तालियां, तो ये बनता है। OTT इस वक्त बहुत हाई ग्राउंड है, तो कोई कंटेंट या कुछ कुछ करना चाहते हैं OTT के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ऑडियंस रीच तो डेफिनेटली बढ़ेगी। नहीं बिल्कुल, जो मैं कुछ साल पहले टेलीविज़न के लिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज कॉन्टेंट आई वुड से अगेन वेरी मसालीफाइड थे, OTT वो अपॉर्चुनिटी दे रही है लोगों को, और लेकिन मैं एक समय में एक ही फिल्म का डायरेक्टर रहा हूँ आज तक, और फिल्म बनाने के बाद इसको पर्दे तक लाने की जिम्मेवारी मेरी थी, तो मैं राइटर भी हूँ तो लिखा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पिच नहीं किया है। 2 जून को ये फिल्म थिएटर्स में आई, तो अब उस रास्ते चलना है, तो OTT भी एक ऑप्शन है मेरे लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम आपको OTT पे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का आपका सिनेमा है या जिस तरीके की राइटिंग, मैं उसे बहुत ज़्यादा OTT से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारा आज का यंगस्टर भी OTT का ऑडियंस ज़्यादा है ना, तो हमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ डेफिनेटली हम आपको जल्दी ही देख रहे हैं OTT पे भी। बहुत सारे मतलब आपने तो आपका तो एक रास्ता मतलब इस तरीके से गया कि आपके दिमाग में सिनेमा है, आप बहुत पसंद कर रहे हैं और उसको कहीं छोड़ नहीं पाए, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो बेसिकली थिएटर या फिल्म लाइन को ही ऑप्ट करना चाहते हैं, हाउ मच पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट, या वहाँ पे चीज़ें किस तरह करनी होती है? देयर इज़ अ रिसर्च, देयर इज़ अ डिग्री, देयर इज़ अ मास्टर्स इज़ कंपल्सरी। मैं किसी फिल्म स्कूल में गया नहीं, लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय में था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो एक कॉपीराइट यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब है कि UK में कोई भी मटेरियल पब्लिश होता है इंक्लूडिंग फिल्म्स, उनके लाइब्रेरी में रहता है। तो मैं PhD इकोनॉमिक्स में कर रहा था, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, और फिल्म सोसाइटी चला रहा था, तो मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला कि मैं दैट आई सेल्फ एजुकेट माई सेल्फ, मैं फिल्मों को देखूं। दैट मींस एक रिसर्च एंड एक सेल्फ एजुकेट या एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अगर ये फिल्म स्कूल में जाने का मौका मिलता है या खुद से आप देखें, तो आपके टैलेंट को निखारने का वो एक ज़रूरी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं आ रहा था फिल्म में 2006-07 में, तो एक एंट्री पॉइंट हाई था। अब आप बहुत आराम से शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं ऑफ ए वेरी हाई क्वालिटी, और ख़ुद को टेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक योर वर्क, या फिल्म का सिनेमा का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, क्या वो एक्टिंग है, राइटिंग है, एडिटिंग है, तो वो एंट्री पॉइंट अब बहुत ही डेमोक्रेटिक एक्सेसिबल हो गया है। और दोस्तों को दिखा करके यूट्यूब पर डाल करके आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि आप इस पर और आगे बढ़ना चाहेंगे। किसी भी चीज़ को शूट किया है, आपका कॉन्सेप्ट ना, पहले ये बहुत एक मुश्किल बात थी कि नहीं सर मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप उसको सुन लीजिए, तो आपका जिस वक्त इस चीज़ को करना चाह रहे थे या आपके कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें, और आज की जो एक अपॉर्चुनिटी जैसे कहते हैं कि ऑलरेडी इन द लैप गोद में आज के यंगस्टर्स में है, सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, उसको कैसे आप देखते हैं, वो डिफरेंस कैसे फील कर पाते हैं? हाँ, मतलब मैं बहुत रोजी पिक्चर नहीं पेंट करना चाहूँगा। वॉट हैज़ बिकम ईजियर इज़ कि आपके पास टूल जो एक्सेसिबल नहीं था वो आपके लैप में पड़ा हुआ है। True.
लेकिन जो टैलेंट है, जुनून है, जो एक्सपीरियंस है, वो एक कहावत है कि जब किशोर कुमार गा रहे हैं तो आप भी गा रहे हैं और लगेगा कि बहुत अच्छी आवाज़ है, जब उनका गाना रोक दें तो देन यू विल नो कि आपका अपना टैलेंट क्या है. तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट विल नीड द सेम मटेरियल जो आज से 50-60 एक टैलेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको गढ़ना होता है, एक टीम आती है, तो वो तो पुरानी चीज़ है. पर एवरी वन कैन ट्राई देयर हैंड. पर इंडियन डॉक्यूमेंट्री की बात करें, क्योंकि अभी जो भी नो डाउट जो डॉक्यूमेंट्री आपकी बाहर रिलीज हुई हैं वो भी इंडियन कॉन्सेप्ट पे ही रही हैं, बट आगे अगर किसी डॉक्यूमेंट्री पे बात करना चाहें, गहरी छाप रखता हो कि नहीं अभी इस पे काम ज़रूरी है या नहीं नहीं अभी ये दिखाना है. मैं डॉक्यूमेंट्री शायद इधर कम देखा हूँ, लेकिन ये दो सिनेमैटिक फॉर्म्स को बहुत तवज्जो नहीं मिलता है. एक डॉक्यूमेंट्री है और एक शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स हैं. आई थिंक टोटली एक्सप्लोर करना बाकी है और इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू शो मिरर टू द सोसाइटी कि हम किस जगह किस तरह से रहते हैं. तो इट्स टोटली बी टू बी एक्सप्लोर. आपकी डॉक्यूमेंट्री हम कब तक देख पाएंगे? लल्लन टॉप पे एक इंटरव्यू था मेरा प्रशांत नारायण का, जो यही क्वेश्चन पूछा गया जी. तो मैंने कहा कि आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग माई ओल्डर फिल्म्स लाइक अ चाइल्ड वुड प्रोटेक्ट देयर गोल्ड फिश. तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ. आई एम वेटिंग फॉर अ बॉडी ऑफ वर्क टू सॉर्ट ऑफ गैदर व्हेन आई कैन शो ओल्डर वर्क. डेफिनेटली. बहुत बहुत धन्यवाद.